हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सोल्व करना है आपको। -6 की पावर 7 है मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 8। क्वेश्चन क्या गिवन है, एक बार आप क्वेश्चन की रीडिंग कर लें। -6 की पावर 7 एंड इंटू 1/3 की पावर 8। तो देखो दर, यहाँ पर माइनस के ऊपर कौन सी पावर है? 7। 7 पावर होती है ओड, इसलिए कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का। हम इसको अलग अलग पावर लगा सकते हैं, 1/8 और 3 की पावर 8। 6 के अगर हम फैक्टर करें तो 6 से फैक्टर क्या आते हैं? 2 × 3। और 1 के ऊपर हम कितनी भी पावर लगाएं, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अब देखो दर, 6 के फैक्टर करें हमने 2 × 3, यानी कि 2 को आपको 7 टाइम लिखना है, 3 को 7 टाइम्स। तो 2 को आप 7 टाइम्स लिख दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 3 को भी इस तरह से आप 7 टाइम्स लिख सकते हैं। और नीचे लिख रखा है 3 को आपको 8 टाइम्स लिखना है, तो 3 को आप अगर 8 टाइम्स लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7, 3 कैंसिल हो जाएंगे। इस नीचे वाले 7 से ये कैंसिल, ऊपर बचेगा 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें 128, और नीचे क्या बच रहा है? 3। तो ये आपके आंसर हो गया, माइनस का 128/3। तो इस क्वेश्चन को नोट करें और हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? -1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -3/5 पावर 3। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो, माइनस के ऊपर इवन पावर है, इसलिए प्लस का साइन हो जाएगा, 1 की पावर 4 और 2 की पावर 4। माइनस के ऊपर ओड पावर है तो माइनस का साइन आएगा, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3। 1 के ऊपर कितनी भी पावर 1 आता है, यहाँ पर 2 लिखेंगे हम 4 टाइम्स, या 2 लिखेंगे हम 5 टाइम्स, 3 लिखेंगे 3 टाइम्स, और 5 भी लिखेंगे हम 3 टाइम्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 5 × 5 = 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आएगा हमारे पास माइनस का 54/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 3, 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/13 का स्क्वायर। रिपीट चेक कर लें क्वेश्चन, 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इंटू 1/13 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर निकालें, यानी कि 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 225, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64, 1 को 1 से और 13 को 13 से, 225 में से 64 को माइनस करें, 161, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें 169,
तो आंसर आ गया हमारे पास 161/169। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर ÷ 4/5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड 4/5। 25 में से 5 9 माइनस कर दें कितना आएगा 16। डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बाद वाली रेशनल नंबर की हो जाती है रेसिप्रोकल। 5 को 2 टाइम्स लिखें, 4 को भी 2 टाइम्स, कैंसिल करना आपको आता ही है, 4 से कट गया 4 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 25। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट, इसको आप नोट करें और हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंपेयर करना है केवल आपको, इसमें जो क्वेश्चन गिवन है उनको कंपेयर करना है कि स्मॉल है, ग्रेटर देन है या इक्वल है। पहला क्वेश्चन, 4 का स्क्वायर ÷ 2^4, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो आप 4 का स्क्वायर निकालें, 4 × 4 करें, कितना आ रहा है 16। ÷ 4 ÷ 2 कितना है 4 है, 2^4 कितनी है 4 है, तो इसको 4 टाइम्स लिखें, 2 × 4 ÷ 4 ÷ 8 ÷ 8 ÷ 16, तो दोनों इक्वल है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आप कर लोगे, थर्ड क्वेश्चन में बता रहा हूँ, सेकंड और फोर्थ आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, -2^5 ÷ -5^2, इन दोनों को कंपेयर करना है। -2^5, माइनस के ऊपर अगर ओड पावर है तो आगे माइनस का साइन आ जाएगा, और 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे हम, 5 टाइम्स, 2 × 4 ÷ 4 ÷ 8 ÷ 8 ÷ 16 ÷ 16 ÷ 32। -5 के ऊपर कितनी पावर है, 2 है, तो इवन पावर है इसलिए प्लस का साइन आएगा, यानी कि 5^2, 5 × 5 कितना आ गया 25। प्लस वाली नंबर स्मॉल माइनस वाली नंबर से बड़ी होती है, प्लस माइनस वाली नंबर कितनी भी बड़ी हो लेकिन वो प्लस वाले नंबर से हमेशा क्या रहेगी, छोटी। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि -32 किससे लेस देन है 25 से, यानी कि -2^5 किससे लेस देन हुआ, -5^2 से। तो इस तरह से इसके दोनों क्वेश्चन भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे।